सुप्रभात, मैं कृष्णा सिकरी, ब्राइट स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनीपत की तरफ से डिजिटल लर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपको पता है सांप कहाँ रहता है? बिल में। क्या सांप और मेंढक की मित्रता हो सकती है? कभी नहीं। सभी जीव स्वभाव और गुण में अलग होते हैं। जिस प्रकार शेर शिकार करना नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार सांप डसना नहीं छोड़ सकता। यदि कोई अपने स्वभाव से अलग आचरण कर रहा हो तो हमें समझना चाहिए कि वह झूठ बोलकर हमें मूर्ख बना रहा है। आज हम एक विष्णु शर्मा जी द्वारा रचित कहानी बुद्धि की जीत पढ़ेंगे, समझेंगे, जिसमें एक बूढ़े सांप ने मेंढकों को मूर्ख बनाकर उनके वंश को ही समाप्त कर दिया। आइए देखते हैं बुद्धि की जीत। एक सांप था जिसका नाम था मंदविष। वह बूढ़ा हो गया था, इस कारण वह जीव जंतुओं का शिकार नहीं कर पाता था। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह रेंगते हुए एक तालाब के पास पहुंचा जिसमें मेंढक रहते थे। जब मेंढकों ने सांप को देखा तो वे डर गए। सांप बिना हिले धैर्य धारण किए वहीं पड़ा रहा। जब मेंढकों ने सांप को देखा कि वह हिल नहीं रहा तो वे उसके पास से गुजरे, पर मंदविष दम साधे पड़ा रहा, यानी चुपचाप पड़ा रहा। मेंढकों ने इस तरह का सांप पहली बार देखा था, जो मेंढकों को देखकर भी उन्हें खाने की बजाय चुपचाप लेटा हुआ था। बात मेंढकों के राजा तक पहुंची। मेंढक राज अपने मंत्रियों के साथ मंदविष से मिलने गया। मेंढक राज ने मंदविष से पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो? सांप तो मेंढकों को खा जाते हैं, पर तुम तो किसी पर हमला नहीं कर रहे हो। मंदविष ने रोते हुए कहा कि मैं एक शापित सांप हूँ। मैं चाहकर भी मेंढकों को नहीं खा सकता। कुछ दिनों पहले मैं मेंढकों को खाने के लिए पकड़ रहा था। गलती से मैंने एक ऋषि के बेटे को डस लिया, तो ऋषि ने मुझे शाप दिया कि तू अब से मेंढकों का गुलाम रहेगा। उनकी सेवा कर, अगर वह तुझे भोजन में मेंढक देंगे तो ही तुम किसी मेंढक को खाकर अपनी भूख मिटा सकेगा। बस तब से मैं तालाब के किनारे आपकी सेवा करने के लिए पड़ा हूँ। आप मुझे जो काम करने को देंगे मैं करूँगा। अब मेंढक राज सहित सभी मेंढक मंदविष पर बैठकर प्रतिदिन सैर का आनंद लेने लगे। पांचवें दिन मंदविष की रफ्तार धीमी हो गई, तो मेंढक राज के पूछने पर मंदविष ने कहा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। कमजोर होने के कारण मेरी रफ्तार धीमी पड़ गई है। तब मेंढक राज ने कहा कि तुम प्रतिदिन एक मेंढक खा सकते हो। बस फिर क्या था, वह प्रतिदिन सभी मेंढकों को सैर करवाता और एक मेंढक खा लेता। इस प्रकार प्रतिदिन मेंढक खाते खाते एक दिन सभी मेंढक समाप्त हो गए। जब तक मेंढक राज को समझ आता कि मंदविष ने चलाकी से सभी मेंढकों को खाकर समाप्त कर दिया है, तब तक सिर्फ मेंढक राज ही बच गया। मंदविष ने मेंढक राज को सैर करवाई, उसके बाद उसने उसे भी एक झटके में खा लिया और इस प्रकार सभी मेंढकों का सफाया हो गया। बच्चों, हमने इस कहानी से सीखा कि हमें कभी भी अपने शत्रु पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई अपने स्वभाव से अलग आचरण कर रहा हो तो वह हमें मूर्ख बना रहा है, तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। धन्यवाद।